टोरेंट पावर की दबंगई से ताज नगरी के लोग त्रस्त आ चुके हैं। इसी के चलते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने एसडीएम साहब को टोरेंट पावर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम आगे से आंदोलन भी करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि टोरेंट पावर जाकर लोगों को परेशान करती है, उनके नाजायज तरीके से कनेक्शन काटती है और बिजली चोरी का आरोप लगाती है, जिससे सारी जनता बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि ये टोरेंट पावर को यहाँ से बिल्कुल तरीके पूरी तरीके से खत्म किया जाए। देखिए, हमने आज जो डीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया है वो इसी माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। देखिए, आप अभी 14 तारीख को आप देखें तो पूर्व में मंटोला क्षेत्र के अंदर भारी बहुमत के साथ फोर्स के साथ टोरेंट पावर गली मोहल्लों में गई, अन्यथा 200 तो 300 के साथ लोगों के साथ गली मोहल्लों में और दहशत फैलाने का काम किया। मेरे तो माध्यम यही था, अगर वहाँ पे कोई बीमारी या कोरोना जैसी घातक कोई बीमारी पैदा होती है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टोरेंट पावर होगी, अन्यथा वहाँ कोई उल्टे सीधे लोगों को उल्टे सीधे केसों में फंसाने का टोरेंट काम कर रही है, अन्यथा एक काम रोका जाए। और वहाँ पे इतनी भीड़ के अंदर मंटोला क्षेत्र में अन्य कोई भी क्षेत्र हो, इतनी भारी संख्या के अंदर लोग ना जाएं। मेरा यही आपके मीडिया के माध्यम से बात है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। आपने जो ज्ञापन दिया है उस पर आपको आश्वासन क्या मिला है? बिल्कुल, हमें आश्वासन मिला, इस पर कार्यवाही करेंगे, अन्यथा हमारी कार्यवाही नहीं होती है तो हम रोड पर आकर इस पर धरना प्रदर्शन करने की भी बारी करेंगे। और ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, टोरेंट की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह से लोगों के अंदर भय पैदा करने का टोरेंट काम कर रही है, ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आश्वासन जो दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा, कब तक आपकी ये बातों को पूरा कर देंगे, शर्तों को पूरा कर देंगे? जी, हमारी ये मांगे हैं, आगे अन्यथा ऐसा ना हुआ जल्द से जल्द पे समस्याओं का समाधान कराने उनसे आश्वासन दिया है। और आगे हमें उम्मीद भी है एसडीएम साहब से कि इस पर कार्यवाही होगी, अन्यथा कार्यवाही नहीं होती है तो हम तो धरना प्रदर्शन के लिए राजी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सिपाल के सिपाही हैं, हम तो धरना प्रदर्शन राजी अर्ज की में रहते हैं।